अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। वर्तमान में कम उत्पादन, कई वर्षों में कम स्टॉक और अच्छी निर्यात मांग की संभावना से ग्वार की कीमतें वर्ष दर वर्ष 53% अधिक हैं। अक्टूबर में ग्वार गम का निर्यात वर्ष दर वर्ष 60% बढ़कर 27,150 टन हो गया, जबकि 2021-22 अप्रैल से सितंबर में निर्यात वर्ष दर वर्ष 40% बढ़कर 1.85 लाख टन हो गया। मांग में तेजी की उम्मीद के चलते 2022 में ग्वार गम के एक्सपोर्ट में 5% बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि खराब मौसम उत्पादन पर असर डाल सकता है, लेकिन उत्पादन घटा तब ग्वार गम की कीमतों में तेजी ही आएगी। ग्वार गम की मांग फूड एंड बेवरेजेस, ऑयल एंड गैस, कॉस्मेटिक, फार्मा, टेक्सटाइल और पेपर सहित अन्य चीजों के लिए बढ़ सकती है। वहीं जानकारों के अनुसार ग्वार के फंडामेंटल्स मजबूत ही हैं। उत्पादन कम बताया जा रहा है और मंडियों में जो माल आ रहा है वो दागी है और उसका उठाव कम ही देखने को मिल रहा है और अच्छे माल की मांग ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसका मंडियों में ना के बराबर माल देखने को मिल रहा है। वहीं 2021 में ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों में काफ़ी उठापटक देखने को मिली। 2021 में ग्वार की कीमतों में काफ़ी निचले स्तर से शानदार तेजी भी बनी। 2021 की शुरुआत में ग्वार सीड में काफ़ी सुस्त कारोबार देखने को मिला था। शुरुआत के 6 महीनों में ग्वार सीड की कीमतें 3,000 से 4,000 रही थी और जब तेजी आई तो 7,000 तक भी इसके दाम देखने को मिले थे। वहीं ग्वार गम के दाम 13,000 से अधिक दर्ज किए गए थे। 2021 के अंत में ग्वार सीड ने 6,000 के करीब और ग्वार गम ने 10,000 के करीब की क्लोजिंग दी है। इस पर बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक 2022 में भी ग्वार कॉम्प्लेक्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 2022 के शुरू के 6 महीनों में ग्वार गम की कीमतें 13,500 और ग्वार सीड की कीमतें 7,300 तक जाती नजर आ सकती हैं। वहीं एक साल के नज़रिए से देखा जाए तो अमित सजेजा के मुताबिक ग्वार गम में 15,600 से 15,800 और ग्वार सीड में 7,800 से 8,100 तक के स्तर देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।